स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो एक गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा आप लोग परेशान थे, बहुत ज़्यादा मतलब कि भाई एनआर एजेंट का कब तक आ रहा है। तो गुड न्यूज़ आपके लिए ये कि एनआर एजेंट के आपके मेल आने शुरू हो गए हैं। डीवी के लिए मेल्स आ रहे हैं बच्चों के पास, उन्होंने मुझे कॉल करके बताया है, नोटिस भी भेजा है कि मैम देखिए यहाँ से मेल आ रहा है और कौन सी डेट को हो रहा है आपका, कौन कौन से के आए हैं। देखिए मैं आपको सब पूरी डिटेल बताऊंगी, पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें आपका हवलदार का भी है और दिल्ली का भी है, लखनऊ का भी है, सब चीज़ों का आपका एमटीएस और हवलदार दोनों के आपके आ गए हैं। तो वो पूरा हम लोग डिस्कस करते हैं पूरी वीडियो में, एंड तक ज़रूर बनिएगा, लाइक और शेयर करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं, भाई आप लोग कह रहे थे सीआर का भी आ गया है अब तो इनकम टैक्स है, लेकिन एनआर का नहीं आ रहा है, बहुत बच्चे परेशान थे। तो एनआर का भी आ गया, देखिए आपकी सुन लिया है डिपार्टमेंट ने, बच्चे इतने परेशान हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये साइड में आपको पिक लगा दे रही हूँ, एक बच्चे ने मेरे पास भेजा है ये, उसके पास मेल आया है। देखिए इस तरीके से ये मेल आ रहा है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि ऑल द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ऑफ एमटीएस 2022 हु आर अलॉटेड एएफएचक्यू, ठीक है, एएफएचक्यू डिपार्टमेंट आपको मिला है, आर्म फोर्सेज हेडक्वार्टर्स, ठीक है। ये आपका इसका मतलब हो गया भाई एएफएचक्यू आर्म फोर्सेज में आपका आया हुआ है, ठीक है। और आर हेयर बाय इन्फॉर्म दैट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डायरेक्ट इन्होंने क्या भेजा है, डीवी के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो इन्होंने बताए हैं कि क्लास टेंथ की मार्कशीट, भाई ये को सबको पता है, ओबीसी एससी एसटी इसमें कुछ नया नहीं है, ये भी आपका हो गया, ये सब आपको पता है, आपने डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल रेडी करके रखिए। जो भी आपका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाना है, आईडी कार्ड मतलब जो भी आपका आधार कार्ड हो गया या आपका वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है वो आप लेकर जा सकते हैं, ठीक है। एनी हायर एजुकेशन जो आपने फिल करी है, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था तो आपने जो भी अपनी हायर क्वालिफिकेशन बताई है, ट्वेल्थ ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, वो आप लेकर जाइए, उसका सर्टिफिकेट लेकर जाइए। टू पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, यहाँ पर इन्होंने टू बताया है, टू फोटोज़ आपको लेकर जानी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका एनओसी लेकर जानी है अगर आप कहीं पर वर्क कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट आपका ब्रिंग अ कॉपी ऑफ दिस मेल, ठीक है। इन्होंने क्या क्या कहा है कि ये जो कॉपी है यानी कि इसकी, ये जो मेल इन्होंने भेजा है ना, इसकी एक कॉपी भी आपको निकलवा कर लेकर जानी है इन डॉक्यूमेंट्स के साथ। और ब्रिंग ओरिजिनल एंड जीरोक्स कॉपी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स, कि मतलब ओरिजिनल कॉपी भी आपको लेकर जानी है सभी डॉक्यूमेंट्स का, मतलब एक ओरिजिनल सेट बना लीजिएगा और आपको एक फोटोकॉपी का सेट बनाकर लेकर जाना है। बस इन्होंने सिर्फ इतना बताया है कि ये आपका है, ठीक है, इतने डॉक्यूमेंट्स लेके जानी है। डीवी है कब आपका, तो 14 नवंबर को आपका डीवी है। एएफएचक्यू वाले जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं उनका डीवी है आपका 14 को। बस ये सिंपल सा आपका मेल आया है और उन्होंने उस टाइप का नोटिस भी नहीं दिया है, ना ही इसमें आपका अटेस्टेशन फॉर्म है। एड्रेस आपका सब लिखा है, सरोजनी नगर, वो सब आपको यहाँ पर दिख जाएगा, एड्रेस भेजा है, रूम नंबर 206 सेकेंड फ्लोर, ये सब एड्रेस लिखा है यहाँ पर। एएफएचक्यू ने बुलाया है, एएफएचक्यू डिपार्टमेंट जिसको मिला है उन उन बच्चों के पास ये वाला मेल गया है, ठीक है। 14 नवंबर को आपका क्या है, डेट ऑफ वेरिफिकेशन, डीवी की डेट आपकी 14 नवंबर है। और भाई देखिए अटेस्टेशन फॉर्म नहीं भेजा गया, बस इतना सा ये मेल आया है, इसकी कॉपी निकलवा लीजिएगा इन डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है। तो आपका मैं बता दूं अटेस्टेशन फॉर्म इनके साथ नहीं आया है, ठीक है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा ये भी क्वेरी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं मेरे पास, इसीलिए आपकी वीडियोज़ जो हैं थोड़ी सी डिले हो जा रही हैं, ठीक है। कॉल्स रिसीव करती हूँ मैं, रिप्लाई करती हूँ सबका मैसेजेस का, इसलिए वीडियो थोड़ा बनाने में डिले हो रहा है, ठीक है। तो अटेस्टेशन जो है आपका, अटेस्टेशन फॉर्म नहीं आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्वेरी है कि क्या मैं किस साइट पर जाके निकलवा लूँ, फिर से अटेस्टेशन फॉर्म भर लूँ, या कैरेक्टर सर्टिफिकेट पहले बनवाना है या नहीं बनवाना है, इसमें दिया नहीं गया है। तो देखिए जो भी चीज़ें आपकी मेल के साथ हैं, जो भी उन्होंने लिखा है, बस वही आपको लेकर जाना है। अगर उन्होंने अटेस्टेशन फॉर्म नहीं दिया है तो वो बाद में देंगे आपको, ठीक है। बच्चों के पास कॉल आ रही है, देखिए सबसे पहले कॉल आई है, उन्होंने कहा है कि आपको मेल आ जाएगा दो दिन बाद, दो दिन बाद ये मेल आ गया है और उन्होंने ये भी बोला है कि आपको केवल ये डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, अटेस्टेशन फॉर्म आपको वहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है, वहाँ पर दिया जाएगा, तब आपको फिल करके हो सकता है ज्वाइनिंग के टाइम पर लेकर जाएँ या बाद में मेल कर दें। तो अभी आपको कुछ नहीं लेके जाना है, ना कैरेक्टर, ना मेडिकल, ना आइडेंटिटी, ना अटेस्टेशन फॉर्म कहीं से निकलवाना है, कुछ भी नहीं करना है, जो इतना बताया है बस ये लेकर जाइए और कुछ नहीं लेके जाना है। वहाँ पर आपको वो अटेस्टेशन प्रोवाइड करवा देंगे या बाद में आपके मेल पर भेज देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया एएफएचक्यू डिपार्टमेंट। दूसरा एक बच्चे ने मुझे कॉल करके ये बताया कि मैम कॉल आ रही है, देखिए कॉल बहुत सारे बच्चों के पास जा रही हैं, कॉल्स भी जा रहे हैं, मेल भी जा रही हैं। तो उसने ये कहा है, मैम लखनऊ में मुझे बुलाया गया है, लखनऊ में क्या
मतलब लखनऊ से मुझे कॉल आई है, और कौन से डिपार्टमेंट से आई है? डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आई है। कौन सी मिनिस्ट्री से आई है? डिफेंस मिनिस्ट्री से उसके पास कॉल आई थी, एक स्टूडेंट ने मुझे कॉल करा है, तो डिफेंस मिनिस्ट्री से कॉल आई थी और उन्होंने कहा है कि लखनऊ में आपका है, आपको बहुत जल्द देवी के लिए बुलाया जाएगा, और वो भी दिवाली के बाद। देखिए फेस्टिवल आपका पड़ गया है, इसलिए ये जो छुट्टी सी थोड़ी हो गई, 2-4 छुट्टी आपको मिल जाएंगी, इसलिए उन्होंने कहा है दिवाली के बाद आपको बुलाया जाएगा और 1 से 2 दिन में आपके पास मेल आ जाएगा, ठीक है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री के भी अब मेल आने आपके पास शुरू हो जाएंगे, तो दिवाली के बाद उसे बुलाया जाएगा। अभी उस कैंडिडेट के पास मेल नहीं आया था, बस कॉल आई थी तो उसने मुझे इन्फॉर्म कर दिया था, ठीक है। तो कॉल आई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो आप समझिए आपके पास भी कॉल्स आनी शुरू हो जाएंगी और मेल आने शुरू हो जाएंगे डिफेंस मिनिस्ट्री से। दिवाली के बाद उन्होंने बोला है कि आपका डीवी होगा, अभी उन्होंने डेट नहीं बताया, बस कॉल करके इतना बताया था, ठीक है। तो ये 2 तो आपके हो गए MTS के, NR एजेंट के, जो अभी तक मुझे पता लगा है, जो बच्चों ने मुझे बताया है। नेक्स्ट आपका एक बच्चे ने मुझे कॉल करके बताया है हवलदार के लिए, उसके पास भी कॉल आई थी, ठीक है, कॉल आई थी, उनके पास भी कॉल आई थी, किसके लिए? हवलदार के लिए। उन्होंने मुझे बताया है कि मैम हवलदार CGST जो है लखनऊ का, वहां से मेरे पास कॉल आई थी, उन्होंने मुझे बुलाया है, मतलब उन्होंने कहा है 1-2 दिन बाद आपके पास मेल आ जाएगा, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखिए। उन्होंने ये बोला बस कि अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखिए, आपके पास 1-2 दिन में मेल आ जाएगा। तो ये 3 चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी NR एजेंट से। तो मैंने आप, ये तो आपका CR एजेंट हो गया, ठीक है, लखनऊ का आपका CR एजेंट हो गया, लेकिन दिल्ली का आपका इधर आया था, ठीक है, यहाँ पर भी आपका CR एजेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का लखनऊ से उसने बताया, नैना रीजन का अभी आपका क्या है AFHQ का ही आया है, बाकी आपका दिल्ली से ही आया, दिल्ली से आपका आया है AFHQ, बाकी डिफेंस का है उसका लखनऊ का कॉल था, और हवलदार CGST के लिए भी लखनऊ से कॉल आया था आपका, ठीक है। तो ये आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन थी आज की वीडियो में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि भाई कॉल्स आ रही हैं या नहीं आ रही, तो बिल्कुल कॉल्स आ रही हैं, कुछ कुछ बच्चों के पास कॉल्स जा रही हैं, उसके बाद मेल भी आपके आ रहे हैं, ठीक है, तो उससे बिल्कुल परेशान ना हो। दूसरा आपका इसमें क्या है, अटेस्टेशन फॉर्म का जो बहुत ज़्यादा आपकी क्वेरी थी, तो नहीं लेकर जाना है, जो चीज़ें साथ में दे रखी हैं सिर्फ वही आपको लेकर जाना है, अटेस्टेशन फॉर्म नहीं है तो वो मत लेकर जाइए, बाद में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी कि भाई NR रीजन के भी आने स्टार्ट हो गए हैं, AFHQ का आ गया है, धीरे धीरे आपके भी आ जाएंगे, तो थोड़ा सा इंतज़ार करिए, बहुत ही जल्द इसी मंथ में हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके डिपार्टमेंट्स के DB हो जाएँ, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, दिवाली की छुट्टी भी हो गई है, इस वजह से 2-4 दिन आपके उधर भी चले जाएंगे। बाकी फिर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, काफ़ी सारी वीडियोस की भी लिंक है, MTS की प्लेलिस्ट में भी वीडियोस हैं जो आपके लिए बेनिफिट देंगी, यूज़फुल होंगी वीडियोस, वो आप देख सकते हैं जाकर। बाकी 2023 वाले जो बच्चे हैं हवलदार का, उसका फिजिकल का जो कैसे क्या प्रोसेस रहने वाला है, वो मैंने वीडियो बनाई है, आप लोग देख सकते हैं 2023 वाले बच्चे भी जाकर। बाकी टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, शाम को लाइव आना मत भूलिएगा भाई, 9 बजे डिस्कशन सेशन रहता है हमारा, कोई भी डाउट हो नंबर आपको प्रोवाइडेड है, कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं शाम को लाइव में 9 बजे, तब तक देखते रहिए वीडियोस, थैंक यू।